स्वागत सत्कार अभिनंदन आभार। स्वागत है आपका फिर से एक बार जस्ट लर्न के एक नए एमबीपीएससी मिशन 2019 के करंट अफेयर्स डेली डोज में। और इस बार फिर से हम एमसीक्यू के माध्यम से देश और दुनिया की उन चुनिंदा खबरों को आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो की एमसीक्यूज की। आपका आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है जो बदली गई है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है रेखा शर्मा, रेखा वर्मा, सुधा बालकृष्णन, उषा अनंत सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर है आपका ए, रेखा शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रेखा शर्मा महिला आयोग की सदस्य रहीं जिन्हें ये अध्यक्ष का पद दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष थी वो थी ललिता कुमार मंगलम, इनके स्थान पर रेखा शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अभी हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है? और आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस और जापान। इसका सही उत्तर है बी, चीन। जी हाँ दोस्तों, विकास की ओर तेजी से प्रगतिशील चाइना ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें कि अमेरिका तक भी अभी इस विमान का या को नहीं बना पाया है। अमेरिका का दावा है कि वो इस प्रकार का विमान 2023 तक बना पाएगा। तो ध्यान रखिएगा हाइपरसोनिक विमान जो देश का विश्व का पहला है वो चाइना के द्वारा बना लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? और आपके ऑप्शन है लॉरेंस हद्दाद, डॉक्टर डेविड नेवेरो, डेविड ग्रासमैन और डी, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 लॉरेंस हद्दाद और डॉक्टर डेविड नेबरो दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ध्यान रखिएगा जो कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो विकासशील देशों में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के प्रयास में गर्भवती महिला और बच्चों के पौष्टिक भोजन की उपलब्धता में सुधार करने के लिए अपने करियर को समर्पित किया है इन लोगों ने। किसने? लॉरेंस हद्दाद और डेविड नेबरो ने। तो ध्यान रखिएगा कि जो लॉरेंस और डेविड हैं ये दोनों ब्रिटिश अर्थशास्त्री और खाद्य नीति शोधकर्ता हैं, तो इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र में काम किया था इन लोगों ने, तो इस बेस पर, इस आधार पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईफा अवार्ड 2018 कहाँ आयोजित किया गया? और इसका ऑप्शन है जकार्ता, बैंकॉक, अबू धाबी, सिंगापुर। इसका सही उत्तर है बी, बैंकॉक। बिल्कुल दोस्तों, थाईलैंड के बैंकॉक में आईफा अवार्ड 2018 आयोजित किया गया था। ठीक है, आईफा अवार्ड हमारे भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन है जो कि इस बार कहाँ, बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का पहला डिजिटल आर्ट म्यूजियम कहाँ खोला गया है? और आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और इसका सही उत्तर है डी, जापान। बिल्कुल दोस्तों, जो पहला डिजिटल आर्ट मतलब डिजिटल रूप में आर्ट म्यूजियम, मतलब किसी भी चीज़ को यहाँ देखने के लिए गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जापान। तो जापान के क्योटो शहर में ये आर्ट म्यूजियम ओपन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा डिजिटल आर्ट म्यूजियम का मतलब ये हुआ कि जो म्यूजियम बनाया गया है वो डिजिटल रूप में आपको गाइड करता जाएगा और आप हर चीज़ को ध्यान से और अच्छी तरह समझकर देख पाएंगे। और इसमें किसी भी गाइड की, मानव गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा डिजिटल आर्ट म्यूजियम जापान के क्योटो शहर में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कबड्डी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ संपन्न हुआ? और आपके ऑप्शन है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी और नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, कबड्डी जो कि हमारे इंडिया
ने हमेशा इस पे फतह हासिल की है। तो इस बार जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2018 संपन्न हुआ वो ऑस्ट्रेलिया शहर में संपन्न हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शहरों में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मातोश्री किस भारतीय राजनेता या राजनेत्री की पुस्तक है? और आपके ऑप्शन है हामिद अंसारी, प्रणब मुखर्जी, सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार। इसका सही उत्तर है आपका सी, सुमित्रा महाजन। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, इनकी पुस्तक मातोश्री जिसमें इन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर जो हैं, जो इंदौर राजघराने की रानी थी, इन देवी अहिल्याबाई होलकर उनकी जीवन पर ये पुस्तक लिखी है। तो मातोश्री पुस्तक सुमित्रा महाजन जी की है, ये याद रखिए। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बुक अभी कुछ साल कुछ लास्ट ईयर ही अभी विमोचन किया गया इस पुस्तक का, ध्यान रखिएगा। मातोश्री पुस्तक सुमित्रा महाजन जी की है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? और आपके ऑप्शन है न्यूटन, सिक्रेट सुपरस्टार, बरेली की बर्फी और शादी में जरूर आना। इसका सही उत्तर है आपका ए, न्यूटन। बिल्कुल दोस्तों, न्यूटन जिसमें राजकुमार राव जो अभिनेता हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया था इस मूवी में। तो न्यूटन मूवी जो 2017 में रिलीज हुई थी, तो इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया जाएगा? और आपके ऑप्शन है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, दीपिका कुमारी। इसका सही उत्तर है सी, नीरज चोपड़ा। बिल्कुल दोस्तों, नीरज चोपड़ा शायद आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, ध्यान रखिए। गोल्ड कोस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो गोल्ड कोस्ट जो हुआ है उस गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में गेम में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया है, ध्यान रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा क्या है, एक जेवलियन थ्रोवर है, मतलब भाला फेंक, जेवलियन थ्रो को हिंदी में भाला फेंक बोलते हैं, तो ये भाला फेंक है, एथलीट्स भाला फेंक है, भाला फेंकते हैं, जेवलियन थ्रोज हैं। तो इन्होंने अभी जो कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है कॉमनवेल्थ, तो उसमें भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ये एशियन गेम्स जो अभी 18 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो यहाँ वो भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे और ध्वज को वाह करिए, मतलब ध्वजवाहक के रूप में काम करेंगे या रहेंगे, मतलब ध्वजवाहक रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और आखिरी प्रश्न है आपका, सेवा भोज योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? और आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी, संस्कृत मंत्रालय। बिल्कुल दोस्तों, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा सेवा भोज योजना स्टार्ट की गई है। तो आपको ये बता दें कि सेवा भोज आखिर है क्या? तो जो सेवा भोज प्रोग्राम है उसके तहत क्या है कि किसी भी प्रकार का जो भंडारा होता है, जो काफ़ी बड़े लेवल पर होता है, भंडारा हो गया, लंगर हो गया, या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर हो रहा है बड़े लेवल पर, तो इन पर खर्च जो होता है और इनके खर्च में जो सामग्री लाई जाती है, खर्च होने पर जो खर्च करके सामग्री लाई जाती है, तो इन सामग्री पर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी सरकार द्वारा इन्हें वापस कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ सेवा भोज योजना, संस्कृत मंत्रालय द्वारा सेवा भोज योजना जो चलाई जा रही है, इसके तहत मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो लंगर और भंडारे या जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भोज कार्यक्रम होते हैं, उसमें जो सामग्री खरीदी जाएगी इस कार्यक्रम हेतु, तो जो जीएसटी लगेगा वो सरकार द्वारा वापस कर दिया जाएगा। तो ये होगी सेवा भोज योजना, केंद्र सरकार, केंद्र मंत्रालय के संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू की जा चुकी है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू, और ध्यान से पढ़िए। अभी आपका ध्यान होगा, आपको पता होगा कि आपके जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो जल्द ही हम आपको जेल प्रहरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस अपलोड और आपको देंगे, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक, इसे ध्यान से पढ़ें, और जितने भी हमारे और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आपको बेहद ही
हेल्पफुल रहेंगे, आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि हम अपना वीडियो और कितना अच्छा बना सकते हैं। और साथ में हमारे जस्ट लर्न जो यूट्यूब चैनल जो फेसबुक पर है पेज है जस्ट लर्न का, उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उसे फॉलो करें और अपडेट रहें। और साथ में आज को जिए, ठीक है, और खुश रहिए और खुशियों के साथ आगे बढ़िए, और साथ में कुछ करिए ऐसा काम कि दुनिया करे आपको सलाम। इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।